नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। फिरोजाबाद के NH2 पर दो DCM बराबर से टकराई और एक DCM डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। बरेली में पत्रकार समाज कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर बरेली के DDपुरम चौराहे पर इकट्ठा होकर 2 मिनट का मौन रखकर मोमबत्ती जलाकर शहीद पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। दरअसल प्रतापगढ़ में मारे गए पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या और उसके बाद शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ के चलते की गई थी। पत्रकार कल्याण समिति इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करती है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही परिवार को आर्थिक मदद के साथ परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। अम्बेडकर नगर में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस के सामने दबंगों ने महिलाओं की पिटाई की है। जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा मलपुरा गांव का ही पूरा मामला। अब खबर गाजीपुर से है, जहां कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कठिन परिस्थितियों में कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र युद्ध के रूप में, जिसमें बिरौना थाना के भैरवपुर गांव के लाल कमलेश सिंह ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। आज उनका 22वां शहादत दिवस है। बिरौना तराहे पर क्षेत्र की जनता द्वारा आधिकारिक रूप से ये मनाया गया और उन्हें सम्मान दिया गया। पीलीभीत में सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर 127 शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के प्रदेश सचिव शोएब खान ने ताल ठोक दी है। मजबूती के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शहर के सिल्वर लीफ होटल में ये प्रेस वार्ता की गई थी। हापुड़ में तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेंदुआ खरगोश का शिकार करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव पावटी का है, जहां पिछले 4 दिनों से तेंदुए ने दहशत फैलाई हुई है। तेंदुआ 4 दिन पहले ग्रामीणों को नजर आया था। सोमवार रात गाँव की ओर जा रहे एक कार सवार ग्रामीण ने तेंदुए को अपने कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात शहीद जवान शैलेंद्र वर्मा का पैतृक शरीर गांव में मंगलवार की सुबह राजकीय सम्मान के साथ पहुंचा और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार में ग्राम प्रधान मोहम्मद नसीम और प्रभारी निरीक्षक हंसमती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरदोई जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले में 600 बेड के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जनरेशन प्लांट का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ बच्चों को आने वाली कोरोना की तीसरी लहर में बचाने के लिए हरदोई में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में 50 बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड और इसी के साथ साथ हरदोई के COVID-19 अस्पताल में बच्चों के लिए 10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड ऑक्सीजन युक्त तैयार किया जा रहा है। नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। देर रात नोएडा की थाना 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 1 बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। यहां ये लोग लंबे समय से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये सभी शातिर वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं और गाड़ियों की लूट किया करते हैं। फिलहाल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा वृंदावन रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक गाड़ी और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो सवार लोगों को काफी चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। पीलीभीत जनपद के थाना मरिया क्षेत्र के गांव देवरनिया में सौगौन के पेड़ बिना परमिट के काटकर ट्रक में लादकर बेचने ले जाते समय SDM रामदास ने पुलिस टीम के साथ बड़ापुर चौराहे के पास पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सागौन के 20 पेड़ों का परमिट था, जबकि ठेकेदार ने अवैध रूप से 46 पेड़ों का कटान किया। सागौन की लकड़ी को ट्रक में भरकर बेचने ले जाते समय सूचना पर अमरिया SDM रामदास ने टीम के साथ पकड़कर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अपने विभाग की मिलीभगत और बीच के सिपाहियों की मिलीभगत से बिना परमिट के सागौन की लकड़ियाँ काटी गई। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप या फिर दोनों को खो दिया, उनको संरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है। अब ऐसे बच्चों को नारी निकेतन में शरण देने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने कानपुर के नारी निकेतन का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड में खत्म हो गए और उनके रिश्तेदार उनको रखना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये तैयारी की जा रही है, जिससे बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।